कहीं हम अहंकार तो नहीं कर रहे, कहीं हम स्वयं कर्ता तो नहीं बन रहे, ये हमेशा हमेशा खोजते रहना, हमेशा, क्योंकि आपो बांध है हरि भजे कहुन पावे ठाउँ। आपो बांध के अहंकार राख के हम हरि का भजन करेंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। इंद्रजीत अभिमानन जाके सुने अहंकार भलौन भैया, अभिमान तज भज सुनो प्राणी, अभिमान को छोड़ के सुनो भैया हमारी बात, अभिमान को छोड़ के, अभिमान तज भज सुनो प्राणी, जन्म जन्म के प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम है। तो अभिमान को छोड़ के हम भजन परायण होंगे, बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रति करेंगे, ये अभिमान बहुत बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु अहंकार अभिमान। तो सुने अहंकार भलान भैया, काहे को दुख सुख मानत प्रयत्न बिना दिया। अरे बाबरे, दुख सुख क्यों मान रहा है, एक दुख और सुख मानना भी अहंकार है। हम दुखी सुखी होते हैं ये भी अहंकार है, अहंकार का सुख्यम गुण, किसी दुख से दुखी हो जाना, किसी सुख से सुखी हो जाना, ये भी अहंकार। तो इंद्रजीत अभिमान जाके महाराज बोले सुने अहंकार भला न भैया, काहे को दुख सुख मान पै तुम बिना दिया। बिना प्रभु के दिए हुए कुछ नहीं प्राप्त हो जाता है, तुम किस बात का अहंकार कर रहे, जो भी कुछ मिला तुमको प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ है। अंतर्यामी सबके स्वामी सहज प्रीत पहचानते हैं, और बिहारी विहारन प्रेम की पहचान करते हैं, वो अंतर्यामी छल कपट को स्वीकार नहीं करते हैं, सब बात को निरखते रहते हैं, सहज स्वभाव, सरल स्वभाव, सत्य स्वभाव। तो इंद्रजीत अभिमान न जाके, तो सारे गुण संपन्न होते हुए, और अगर अभिमान आ गया किसी तरीके से, सब चौपट हो गया कुछ नहीं। इसलिए हमेशा प्रार्थना रत रहते हुए, क्योंकि ये सब कृपा साध्य वस्तु है, कृपा से संभव है, कृपा मनाते रहे। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष माणो, हमेशा हमेशा कृपा मनाते रहे। हे प्रिया जी, हे बिहारी बिहार, आपकी कृपा से ये सब कुछ संभव है। प्यारी जी मोको कृपा करो, ऐसी रुचि उपजे जी मेरे तुम्हें न छिन मिश्रो। हे लाडली जी मुख, ऐसी कृपा करो मेरी रुचि आपके चरणों में, आपके जो है नित्य सुख में मेरी रुचि लग जाए, ये आपकी कृपा से ही संभव है। प्रार्थना रत रहना चाहिए, जब कोई बात ऐसी मन में आवे प्रार्थना करो। तीन बात, कीर्तन, नाम जप और प्रार्थना, इसमें साधक को तीनों में ये गुणातीत साधन है, तीनों के तीनों, तीनों में जो है दैनिक रत रहना चाहिए। बोलो बिहारी जी। तो अभिमान न जाके करे जगत को पावन, जब ये सब गुण हैं और अभिमान तनक मात्र भी नहीं है, तुम्हारा ऐसे महापुरुष संसार को ठाकुर से मिलाने वाले हो, जीवों को ठाकुर से मिलाने वाले, संसार का कल्याण करने वाले। करे जगत को पावन, इनके दर्शन मात्र से, संतों की महिमा बड़ी बड़ी जो है शास्त्रों में बखान है। अगर संत किसी मृतक पुरुष पर दृष्टि डाल दे, अगर वो पापात्मा भी है, तो वो नरक में न जाके उसकी रास्ता बदल जाएगी। बोलो बिहारी जी। नारद जी महाराज, नारद प्राण मंडल, तो इस तरीके
तरीके से संतों की महिमा बहुत प्रकार से बखान है। संतों के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है, लेकिन ये अभिमान रूपी जो शत्रु है इसको बहुत दूर रखना चाहिए। इसने एक जन्म नहीं करोड़ों हजारों जन्मों को बर्बाद कर दिया है इस अहंकार में। अहंकार बहुत बड़ा शत्रु। तो महाराज बोले, अभिमान न जाके करे जगत को पावन, भगवत रसिक तास की संगत तीनों ताप न सावन। महाराज बोले, ऐसे महापुरुष की संगति दैविक दैहिक भौतिक तीनों प्रकार के जो ताप हैं सबको दूर करने वाली है। कोई भी ताप, कोई भी हानि उसके जीवन में, जब ऐसा जीवन है और ऐसे महापुरुष का सानिध्य जिनको प्राप्त हो जाए उनके जीवन में ही ऐसे ही आनंद आ जाते हैं जैसे उस महापुरुष के पास। बोलो बिहारी जी, सत्य में बहुत बड़ी जान, सारी जान सत्य में, हरि के शरण में, हरि स्मृति सर्व व्याधि विनाश। बोलो बिहारी जी, इस तरीके से संतों की बड़ी महिमा है और ये गुण संपन्न उनको संत कहते हैं भगवत ऋषि जी महाराज। तो कंठे त्रक्षण भाव संत, तो संतों के चरणों में, भक्तों के चरणों में, भेषधारियों के जिनकी कंठी और तलक है उनके चरणों में भाव है तभी संसार का कल्याण है। अगर इनके चरणों में भाव नहीं है तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, कभी इसकी गति हो ही नहीं सकती। भजन करत सेवा करत, संतों में भाव नहीं है लग से दुझमार, भजन भी कर रहे हैं सेवा भी कर रहे हैं। महाराज बोले, निश्चय मझधार में डूबोगे, कोई बचाने वाला नहीं है, अहंकार में सबको करते जाओ। पहले संतों का सानिध्य प्राप्त करो तब कुछ हो सकता है। बोलो बिहारी जी, भक्तमाल में एक लालाचार्य जी की कथा आई है, उसको प्रेम से सुनो। लालाचार्य जी महाराज श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के आप सुदृढ़ शिष्य थे। महाराज से पूछा अपने श्री गुरुदेव से, हे दयालु मोको कोई आदेश करो, मैं क्या पालन करूं, कौन सी आज्ञा का पालन करूं। तो आज्ञाकारी दास बिहारी रुकले सुख संचरो, क्योंकि शिष्य वही जो आज्ञा पा रहा है, शिष्य वही जो गुरुओं की आज्ञा पा रहा है। तो लालाचार्य जी जो है कहने लगे, गुरुदेव जी बताने लगे कि भैया अपने जिनके गले में यानी कंठी तिलक है, जो हरि के दास हैं उनको हरि के ही समान समझिए, या नेम को विशेष अपने हृदय में धारण कर ले, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। श्री चैतन्य महाप्रभु जी, नाम में रुचि, जीवों पे दया और वैष्णवों का सेवन, कंठी तिलक वालों का सेवन। तो लालाचार्य जी कहने लगे कि दयालु मेरे पे ये तो नहीं हो सकता है कि मैं सबको हरि के समान मान लूं, कि भैया गुरु के समान मान लीजो, गुरु और हरि में कोई फर्क ना है, कि महाराज मैं गुरु के समान भी नहीं मान सकता, कि भैया तो गुरु भाई के समान मान लीजो। तो हाँ महाराज, ये हो, मैं अपने गुरु भाई के समान, अपने बड़े भाई के समान, और मैं स्वीकार कर लूंगा। इसी प्रकार जीवन की रीति थी, कोई भी संत वैष्णव है उनको सादर दंडवत प्रणाम, सेवा सहज भाव से श्री लालाचार्य जी करते। एक दिन वो जा रहे थे कहीं, नदी पड़ी, तो नदी में क्या देखा,
कोई मृतक यानी मृतक शरीर और बह की आरा उसके गले में कंठी थी, बह की आरा। और ये भी तुम जानते हो तिलक स्वरूप लगाते लगाते मस्त पे नासिका पे तिलक का जो चिन्ह है वो अंकित हो जाता है जो बराबर अभ्यासरत रहते हैं, तो उनके मस्तक पे तिलक का चिरक भी तिलक का चिन्ह भी अंकित था। तो देखा कि ये तो मेरे भाई हैं और गले में कंठी है। अरे वहां जैसे भाई के लिए रोधन किया जाता है उनको निकाल लिया, कहां से बह के आ रहे निकाल लिया, और जैसे भाई को रोते हैं अपने को इस तरीके से रू आ गया। उसी तरीके से रोधन, अरे भाई तुम्हारे क्या हो गया था, कब के पधार गए, हमको कोई सूचना ही नहीं भाई, थोड़ा सूचना तो कर देते। अरे भैया प्रेम से उनको जो है और भी कोई लेके और अपने घर को ले। बोलो बिहारी जी महाराज, नदी में से उठा के मृतक पुरुष को और घर के लिए ले गए अपने। देखो कितनी परम निष्ठा, क्या ठिकाना। घर के लिए ले गए तो वहां जो है जैसे जैसे तरीके से जैसे जैसे होता है समय आने के हिसाब से, यानी उनका संस्कार किया, सहज दाह संस्कार किया गया। और जो है अब आई ब्राह्मण भोजन की, संत भोजन की बारी, तो गांव वाले सब नाराज, अरे जन कहां कहां से कौन से कहां से उठा लाया है, कौन जाती है क्या है कैसे, कोई पता नहीं है, मरे हुए पुरुष को उठा लाया है, इसकी मति तो खराब हो गई है। बहुत लोग जो है ग्रामवासी जो है नाराज। अब तो जो है भंडारा जो भी 17वीं 12वीं जो भी उन्होंने की कार्यक्रम, जो संत सेवा या ब्राह्मण सेवा जो भी किया, निमंत्रण दिया गांव में से लेकिन कोई नहीं आवे, और भोजन सामग्री सब बन के तैयार है लेकिन ब्राह्मण देव आने को तैयार ही नहीं है, वो सब नाराज हैं, जन कहां से उठा लाया है, इसका कोई पता नहीं क्या करता क्या नहीं करता। लेकिन उनके अंदर भाव बैठा हुआ है, गुरु आज्ञा बैठी हुई है। आखिर श्री लड़ाचार्य जी अपने मन में बड़े थोड़े दुखी कि मैं क्या करूं सारी सामग्री, और जो है ब्राह्मण देव आ ही नहीं रहे हैं प्रसाद पाने के लिए, अब ठाकुर से सहन नहीं हुआ, ठाकुर से सहन नहीं हुआ। ठाकुर ने अपने ही पार्षद महाराज नाना प्रकार के सुंदर सुंदरता को धारण किए हुए बहुत सुंदर धोती पहने मुकुट बना हुआ है और जो है दुपट्टा पड़ा हुआ है और तिलक स्वरूप लगे हुए हैं, चिन्ह लगे हुए हैं, अंकित हैं, और महाराज सीधे उतर उतर के जो है विमानों के द्वारा और प्रस्थान कर रहे हैं लालाचार्य जी के यहाँ। गुरुदेव जी महाराज, ग्रामवासियों ने देखा भैया जी तो ऐसे दिव्य प्रसन्न के दर्शन ही करते रहो, नजर भी नहीं हटती है, और ये सीधे लालाचार्य जी के यहाँ जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है, एक नहीं बहुत। और प्रेम से जय जयकार होने लगे, प्रसाद पाने लगे, लालाचार्य जी की जय, हरि की जय, ठाकुर की जय जयकार होने लगी। ब्राह्मण लोग बोले भैया ऐसे ना बात बनेगी, तुम चलो धीरे धीरे। बोलो बिहार जी महाराज की जापे कृपा राम की होई और तापे कृपा करे सब, जब हरि ही रिझ गए तो संसार बाकी का हरि रिझ गए। तो प्रेम से सभी ब्राह्मण देवों ने, सभी संत भक्तों ने, सभी ने प्रेम से प्रसाद पाया और जो भंडारे में बड़ा आनंद आया, आनंद उत्सव हो गया। इस तरीके से श्री लालाचार्य जी तो कंठी तिलक में भाव,
कंठी तिलक में हमारा सहज हरि संबंधी, हरि की तरह जैसे हम हरि में भाव रखते हैं ऐसे ही हरि के दासों में भाव रखना अनिवार्य है। मोते अधिक संत कर ले, हरिते अधिक हरि के दास, हरि से हरि अपने से ज्यादा अपने दासों को। बोलो बिहारी जी, इस तरीके से जब अवधारणा रहेगी इस जीवन में तो हरि प्राप्ति में देरी नहीं है। बोलो स्वामी जी महाराज, बिहारी जी Yeah।